जी सर। मैसेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर, और इसके साथ मैं क्लरिकल का भी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, जो प्रोटेस्ट आरटीओ ऑफिस में रखा गया है, ये सबसे पहले हम इसकी कंडेम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पुलिस जो है खुद इंटरवीन कर रही है ऑफिसों में जाके। अगर यहाँ एक डिपार्टमेंट का एक सिस्टम होता है, उसमें आरटीओ ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, सबसे पहले तो एक इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आई है, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर हमारा मुलाजम जो जोगिंदर शर्मा, जो जूनियर असिस्टेंट है, उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन प्रूफ हो जाता तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसको गिरफ्तार करते तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये जो कंपनी, जिस कंपनी को ये दिया गया है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या जोगिंदर शर्मा को किस तहत उसको पुलिस ले गई और उसके बाद पुलिस में उसको लॉक में रखा पिछले दो दिन से, वो शुगर का पेशेंट भी है। अगर हमारे मुलाजम को कोई बात हो जाती है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। हम ये कहना चाहते हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर लद्दाख क्लरिकल जो है, अगर ये इशू ख़त्म नहीं करते, हमारे मुलाजम को रिलीज नहीं करते, तो आने वाले दौर में जम्मू प्रोविंस के अंदर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इनकी पूरी सपोर्ट करेगी। एडी है, ये सरकार चलाता है। जब आप ऐसे हरबे इस्तेमाल करोगे तो मुलाजम इस हरकत में ऐसे काम नहीं करेगा। हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, इस इशू को ख़त्म करें और हमारे मुलाजम को रिलीज़ करें। अगर नहीं करते तो आने वाले दौर में एम्प्लॉयज़ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ना कि मुलाजम की। शुक्रिया। जी सर, जो आज आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बारे में, मेरा नाम कुलवंत सिंह समयाल है, मैं एम्प्लॉयज एंड एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज का धरना प्रोटेस्ट जो हमारे साथियों ने जो आरटीओ ऑफिस में रखा है, इसका मेन रिगार्डिंग ये है कि जो हमारा एक क्लरिकल भाई है, जोगिंदर शर्मा, क्या नाम है, जोगिंदर शर्मा है, जोगिंदर शर्मा को आज दो दिन से पुलिस ने लॉकअप में रखा है। हम ये बात सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो जोगिंदर शर्मा है, नीचे का जो क्लरिकल है, क्या उसके ऊपर जो ऑफिसर है, आरटीओ है, जो अथॉरिटी है, पहले उनको पूछना चाहिए था, नीचे वालों को क्यों, कि उसने क्या गुनाह किया है नीचे वाले ने। जो आरटीओ है ऊपर, सबसे पहले डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करते, इंक्वायरी करने के बाद अगर वो दोषी है तो उसको अरेस्ट करते, जबकि वो दोषी भी नहीं है और उसको अरेस्ट भी किया है, वो तीन दिन से उसको अरेस्ट किया है एसएचओ गांधीनगर में, तो उसको शुगर भी है, बीपी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज एंड एक्शन कमेटी ये कहना चाहती है, सत्यपाल मलिक जो हमारे गवर्नर हैं, उनसे ये कहना चाहती है कि अगले साल उसकी रिटायरमेंट भी है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें इंटरवेन किया जाए। ये जो हमारा छोटे क्लरिकल लोग हैं, ये कैसे काम करेंगे, इनको बार बार मतलब ये पीछे पीछे वाले मुर्दे ये उखाड़ रहे हैं। और जो प्लेट वाला जो मसला है, वो एक प्राइवेट टेंडर दिया जाता है, जबकि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उसमें। अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो, अगर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम मानेंगे कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जबकि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी पूरी शाना बशाना आरटीओ के साथ, आरटीओ कठुआ सांबा जितनी प्रोविंस में, हम सभी इनके साथ हैं और आने वाले दौर में स्ट्राइक का आगाज़ किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।